यहाँ पर देखो आप पूरा का पूरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस पल का। यानी कि जो हमारे भूमि के देवता होता है उनका प्रतीक माना जाता है, उनकी भतीजियां हैं, मतलब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो चल रहे थे बाबा केदार के आगे आने का। ससुराल केदारनाथ माई का, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? मतलब अच्छा अच्छा हाँ, कल्चरल गीत होते हैं तो उस यात्रा का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आज यहाँ से यानी कि फाटा से दरअसल यात्रा गौरीकुंड के लिए निकल चुकी है। डोली तो पहले ही निकल चुकी थी लगभग 7:30-8 बजे के राउंड में। अपने साथ में अभी हम चाय बना रहे हैं और मैगी बन रही है। भाई लोगों ने दरअसल ग्लूटेन रखा था, फ्राई पैन रखा था, कल से हम लोग दरअसल 500 रुपए की चाय पी गए और इन बंदों ने ये तक नहीं बताया कि तो ध्यान ही नहीं आया यार चाय यहीं पे बनाते। अभी क्या है ना कि एक बार यहाँ से मैगी मुगी बना के चलते हैं, यानी कि अपना ब्रेकफास्ट करके आगे निकलते हैं। तो चाय बन के अपनी तैयार, यानी कि जो चाय का जितना भी जुगाड़ था, जितने भी अपने पास में एक्सेसिबिलिटी थी चाय बनाने की, तो उसका यूज करते हुए अपनी चाय बन चुकी है भाई। ये इसका मतलब है कि 100 रुपये हमने यहाँ पे बचा लिया और आगे भी ये सारी चीजें हमारे काम आने वाली है। अभी ऐसे करते हैं कि चाय पीते हैं और उसके बाद में फिर मैगी बनाना शुरू करते हैं, फिर आगे निकलेंगे। अभी ना हमारी थोड़ी देर में निकलने की तैयारी हो रही है, तो अभी हमारी सबसे पहले मैगी बन चुकी है 2 लोगों के लिए और अब फिर से एक बार मैगी बनाते हैं। बर्तन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन भाई ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी कि 200 रुपये का खाना खाने से अच्छा कि अपने आप बना के कहीं ना कहीं पैसे की बचत भी हो जाती है थोड़ा। और देखो ये मुझे भी पता है कि 100-200 रुपये से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इसको मल्टीपल टाइम में देखें तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। तो अभी खाना खाते हैं सबसे पहले, यानी कि ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी भाई बना रहे हैं, बड़े भाई बना रहे हैं वहाँ पे आराम से मैगी मुगी। तो कई लोग यही बोलेंगे कि तुम लोग क्यों नहीं बना रहे हो, तो भैया के बोला हमने सुना कि शौक है खाना बनाने का, शौक भी है और टेस्ट भी है, बोला भाई के हाथ में ना, तो इसलिए ये भी है। तो अभी बनने देते हैं मैगी और फिर उसके बाद खा के निकलते हैं। नहीं, मैगी बन के तैयार, यानी कि अब मैगी खाना शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों भाई लोगों ने कर दिया है, साथ में भी हम तीनों भाई लोग कर रहे हैं यहाँ पे एक पूजा करने के बाद में, फिर उसके बाद में मिलते हैं। और साथ में पहाड़ी भाई भी लगे हैं, भाई जी भी लगे हैं। कैसे बनी है? मजा आ गया ना। ब्रेकफास्ट करने के बाद में, ब्रेकफास्ट के बाद एक चाय पीने के बाद में अब निकलने की तैयारी हो चुकी है। तो सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बैकपैक पूरे रेडी हो चुके हैं। अब ऐसा करते हैं बिना देरी के निकलते हैं यहाँ से, कि आगे की यात्रा है ना जो बहुत जरूरी है। पहाड़ी भाई ने देखो बिना मेरे बोले ही बहुत जरूरी है टाइम से पहुँचना, तब आज भी तो रेस्ट करेंगे, फिर कल के लिए पूरी तैयारी एनर्जी इकट्ठा करेंगे। डोली ऊपर में कहीं पे जा रखी है, तो यहाँ से लगभग 4-1 किलोमीटर बचा सीतापुर। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से अब डोली के साथ में चलते हैं, यानी कि सुबह सुबह दर्शन भी नहीं हुए, तो एक बार दर्शन करते हुए डोली के साथ में निकलेंगे। थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, ये सब चीज़ें चल रही है, दरअसल धकाधक गाड़ियाँ निकल रही है ना ऊपर, लोगों को पहुँचा रही है, साथ में घोड़े खच्चर सब चल रहे हैं इस साइड में। तो अभी ऐसा करते हैं एक बार डोली के दर्शन कराते हैं आपको, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं यहाँ पे, उसके बाद डोली के साथ में निकलेंगे फिर। तो अभी हम डोली के सामने पहुँचे हैं ना, तो यहाँ पर जो हमारा कल्चरल गीत होते हैं तो उस यानी कि कीर्तन भजन चल रहे हैं साथ साथ में, और यहाँ पर रखी गई है डोली यानी कि दर्शन के लिए, जितने भी लोग होंगे दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बाबा केदार के यहाँ पर डोली रखी गई यानी कि सब लोगों के लिए दर्शन के लिए, जहाँ पर कि बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और इतने नज़दीक से इस यात्रा में पहली बार मतलब इतने नज़दीक से दर्शन किए डोली के, तो सब लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए बेताब हो रखे। वैसे हम काफ़ी लेट हो गए यहाँ पर डोली के साथ में पहुँचने के लिए ना। यहाँ पे बाबा केदार की डोली के दर्शन करने के साथ में यहाँ पर मिले हैं कुछ दीदी बहन लोग मिले, तो दरअसल वीडियोस देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो सपोर्ट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो वैसे दरअसल लोकल ही हैं आप लोग? बद्रीनाथ ससुराल केदारनाथ माई का, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? मतलब बाबा केदार की पैदल यात्रा करते हुए आप सब भाई लोगों के जितने भी ब्लॉगर सारे मिल रहे हैं, और बहुत खुशी हो रही है, बहुत हमें भी बहुत खुशी है आपसे मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और साथ में आपकी बेटियां हैं? ये मेरी भतीजी है। अच्छा,
अच्छा, तो उनकी भतीजियाँ हैं, मतलब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कैसी रही आपकी यात्रा? अच्छी रही, मंगलमय? बहुत ही अच्छी, चलो बढ़िया। ये भी है, अच्छा बढ़िया, मजा है आप लोगों से बात करके। मन तो कर रहा है कि सीधे बाबा केदार के मंदिर तक ही जाए। हाँ, बाबा के साथ कहाँ तक चलते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डोली निकलने की अब तैयारी हो रही है, यानी कि रावल जी भी आ गए हैं और अब यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये दर्शन का आखिरी फेज है, उसके बाद डोली यहाँ से शायद सीधा रुकेगी सीतापुर में। सीतापुर या गौरीकुंड, जो भी गौरीकुंड, यहाँ से भी 8-9 किलोमीटर दूर। पहाड़ी भाई के पूरे फैंस आ गए भाई। ऐसा करते हैं, डोली के साथ में यहाँ से आगे निकलते हैं क्योंकि काफी अच्छा है। तो दर्शन हो गए, सबसे बड़ी चीज ये है डोली के आगे आगे निकलना, कहीं ना कहीं भाई डोली के साथ में निकलना किस्मत की बात है भाई। आगे आगे शायद राजदंड निकलता है ना, मे भी, और उसके बाद में बाबा केदार की डोली, और इससे पहले आगे निकलता है जो छत्र जो होता है ना, वो निकलता है बाबा का। रावल जी दरअसल साथ साथ में डोली के पीछे पीछे चल रहे हैं और भाई पूरे नारे लग रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है ना कि अभी के टाइम पर यात्रा के साथ में उतने लोग नहीं हैं जितने कल तक थे, यानी काफ़ी सारे लोग आगे निकल चुके हैं। तो अभी मुश्किल से 500-800 लोग हैं, कल तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन आज के दिन पर बहुत कम लोग हैं, मतलब कल के मुकाबले। जय हो महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस निकल रहे हैं, बाबा केदार का नाम लेते लेते 4 किलोमीटर ऐसे कट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बाबा केदार की डोली के साथ में चलते चलते पहुंच चुके हैं भाई सीतापुर में। सीतापुर में और भाई लोग भी मिल गए, भाई भी मिल गए, बताओ यार पता ही नहीं चला भाई कैसे रामपुर से सीतापुर पहुंच गए। जय भोले की, 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 जय भोले की। सीतापुर में पहुंचते ही यहाँ पर हमारे सांस्कृतिक ढोल दबाओ और साथ में जो आर्मी स्टार्टिंग में चल रहे थे उनके बैंड बाजे, ये सब चीज़ें स्वागत में तैयार है। यानी कि सीतापुर में भी थोड़ी देर के लिए रुकने वाली है, अब देखते हैं कितने समय के लिए रुकती है, लेकिन लोग देखो दोनों साइड में स्वागत के लिए तैयार है बाबा केदार के एक बार दर्शन करने के लिए। जुड़ चुके हैं बाबा केदार के और अब इन्हीं के साथ में चलने वाले हम लोग।
कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने सर पर बाबा केदार को केदारनाथ तक लेकर जाएंगे, और कई लोग तो ऐसे मतलब इनकी बहुत ही तगड़े पुराण प्रतिज्ञाएँ हैं ना, तो उनका कोई जवाब नहीं है, मतलब उनकी भक्ति का कोई सीमा नहीं है। जैसे कि हर कोई कहता है कि बाबा केदार की भक्ति की कोई सीमा नहीं है, बाबा केदार की टोली के साथ में चलने का जो एक्सपीरियंस है ना वो कुछ अलग ही है। यानी कि हम इतने टाइम से पैदल यात्रा कर रहे हैं, वैसे अगर हम बिना यात्रा के चलते ना तो इस रोड पे चलने में सच में बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, लेकिन अभी हम यात्रा के साथ में चल रहे हैं तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कोई थकावट नहीं है, कुछ नहीं, कोई पसीना नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ ही देर में हम दूसरे जगह को क्रॉस कर भी रहे हैं। तो आप ये लगाओ कि कहाँ से कहाँ आ गए हम सीतापुर पहुँच चुके हैं, अभी तक देखो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, क्योंकि बाबा केदार साथ साथ में जो चल रहे हैं। बाबा केदार की डोली के साथ में भक्तों की और ज़्यादा भीड़ आ चुकी है, यानी कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग आगे बढ़े होंगे ना, सब इंतज़ार कर रहे थे बाबा केदार के आगे आने का। और साथ साथ में हमारे सांस्कृतिक ढोल और धमाओं, जो ढोल धमाओं ये सब चीज़ें होती है ना, तो हमारे यहाँ पर जो खंडियाल देवता यानी कि जो हमारे भूमि के देवता होता है उनका प्रतीक माना जाता है ढोल धमाओं। और जब ये चल रहे हैं बाबा केदार यहाँ से चल रहे हैं, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, मान सकते हैं कि हमारे जो भूमि के देवता है ना, कि खंडियाल देवता है ना, वो साथ में चल रहे हैं, उनकी यात्रा के साथ साथ में बढ़ रहे हैं। तो जितने भी बाबा लोग हैं जो कि 6 महीने तक इंतज़ार करते हैं बाबा केदार के कपाट खुलने का, ये आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर प्यास बुझाने के साथ में पानी पुनी पीते हैं, उसके बाद में आगे निकलते हैं। जो यात्री हैं फल फ्रूट लेने वाले हैं, फल फ्रूट लेंगे तो लेना यार, जूस लेना, गिर गया कोई बात नहीं, जूस चाहिए, जूस, केला नहीं, केला नहीं खाते, एक तरफ में जहाँ पर कि सबको पानी पिलाया जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, वहीं बाबा केदार के डोली के लिए यहाँ पर लोग स्वागत के लिए पहुँचे हैं। तो यहाँ पर देखो कितने लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस पल का। जब तक यहाँ पर बाबा केदार की डोली रहती है ना दर्शन करने के लिए, तो हम ऐसा कर रहे हैं सबसे पहले ये जो अपना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मंदाकिनी होटल जो हमने ले रखा वहाँ पर चलते हैं, अपना लगेज रख देते हैं, उसके बाद में यहाँ से आगे जितना आगे तक जा सकते हैं, मतलब वहाँ तक बाबा केदार की डोली के साथ ही चलेंगे, फिर हम यहाँ से अर्ली मॉर्निंग में निकलेंगे बाबा केदार की डोली को गौरीकुंड में ज्वाइन करने के लिए। सीतापुर में हमने यहाँ पर रूम देख लिया, यानी कि रूम फिक्स कर दिया, साथ में अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सोनप्रयाग से थोड़ा आगे तक बाबा केदार की डोली के साथ में, फिर वहाँ से हम लोग आएंगे यहाँ पर वापस। मुझे लग रहा है यार मेरा ना चल चल के शायद 2-3 किलो वजन कम हो गया। अच्छा है ना, अच्छा है कि बुरा है ये देखो। हाँ ये तो है, अच्छा ही है, अगर खराब है तो अच्छा, मतलब वजन ज़्यादा हो वजन। हाँ ये भी है। तो फिर से एक बार फिर से ज्वाइन कर दी है हमने यहाँ पर बाबा केदारनाथ की यात्रा, हमने नहीं करी है, हम तो बोलेंगे कि बाबा केदारनाथ ने एक बार फिर से अपने साथ आने का मौका दिया है, तो यहाँ पर चलते हैं बाबा केदारनाथ के साथ में जहाँ तक जा पाते हैं। सोनप्रयाग में पहुँच चुके हैं यहाँ पर डोलियर, यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ चुकी है भाई। केदार की डोली के स्वागत में भाई उतर चुके हैं सब लोग। सोनप्रयाग से अब आगे निकल चुके हैं, अभी सोनप्रयाग वैसे स्टार्ट हुआ है, लेकिन यह आज डोली जाने वाली है गौरीकुंड तक, यानी कि गौरीकुंड में रुकेगी डोली। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद में यहाँ पर भी भक्तों की भीड़ है। चलो आगे चलो।
वो यहाँ से गौरीकुंड से जो केदारनाथ जी की जो आगे डोली यात्रा जाएगी वो लगभग सुबह 5 बजे के लगभग निकलेगी, यानी कि जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है। और साथ में यहाँ पर भी भक्तों की भीड़ लगी है, जितने भी लोग बाहर से पहुँचे हैं सब लोग पार्किंग में खड़े हैं, मार्केट में इधर उधर दोनों साइड में खड़े हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। सब जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं लोकल लोग, यहाँ पर देखो आप पूरा का पूरा एरिया बाबा केदार के दर्शन के लिए भर चुका है। और भाई ये बहुत बड़ी आगे तक भीड़ है, आगे तक देखो, यहाँ तक देखो पूरा सब लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। लाइन में मतलब एक बार बाबा केदार के नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं। ये मतलब ये अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है, मज़े आ रहे हैं, मज़े आ गए मुझे। अभी ऐसा करता है आगे चलते हैं थोड़ा। बाबा केदार की डोली थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकी थी और इसके बाद अब यहाँ से गौरीकुंड निकलने की तैयारी हो चुकी है। और जितने भी यात्रियों के लिए, यानी कि जो लोग घोड़े से यहाँ पर यात्रा करते हैं, यहाँ पर कितने सारे घोड़े इकट्ठा हो रखे हैं और ये जस्ट मतलब मुट्ठी भर है। कई सारे तो जा चुके हैं दरअसल यहाँ से ऊपर की साइड में। और अभी हम क्या करें, अब हम होटल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जहाँ पर कि हमने सीतापुर में अपना रूम लिया था वहाँ पर चलते हैं, आराम करते हैं और कल के लिए पूरी एनर्जी इकट्ठा करते हैं, यानी कि ये जो थकान है ना इसको दूर कर। बाद में हम लोग भी यहाँ से लगभग 5 बजे यात्रा शुरू करेंगे। बाबा केदार की डोली तो गौरीकुंड के साथ में निकल चुकी है, साइड में निकल चुकी है और हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले अपना लंच किया और लंच करने के बाद में जहाँ पर कि हमने सीतापुर में अपना रूम ले रखा था ना, तो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करें कि यहाँ से देखो, अभी ये है ना सीतापुर आपको अभी खाली लग रहा होगा, आज डोली यहाँ से गौरीकुंड में रुकेगी, लेकिन जो परसों का टाइम होगा ना, परसों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल आपको पैक दिखने वाला है। जो आपको जगह बिल्कुल शांत दिख रही है ऐसा नहीं दिखने वाली है फिर ये जगह। तो अभी हम लोगों ने भी रूम दरअसल बिल्कुल ये जो आपको नीली सी बिल्डिंग दिखाई दे रही यहीं पर ले रखा कहीं पे। और अभी ऐसा करते हैं कि होटल पे जाते हैं और फिर उसके बाद में जो आज का एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। अभी शाम का टाइम है, थोड़ा सा सोए थे, रेस्ट किया था, जिससे कि थोड़ा नींद पूरी हो गई है, थकावट मिट चुकी है और अभी पहुँचे हैं खाने के लिए। तो मंदाकिनी होटल जहाँ पर हम रुके थे ना वहीं पर पहुँचे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि खाना खाने के बाद में सीधा रेस्ट करेंगे, कल की तैयारी करेंगे। हाड़ी भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया है भाई साहब, मज़ेदार है और आपके साथ तो डबल मजा है भाई। एक चीज तो है, थकावट भले अभी वैसी लग रही हो लेकिन चलते वक्त बिल्कुल नहीं थी, ये तो बिल्कुल ये मतलब बिल्कुल भी नहीं, सही बात है। अभी तो ये है तैयारी करते हैं। आज के दिन पर जरा से बारिश भी बहुत तगड़ी हुई भाई, बहुत ज़्यादा,
उस टाइम पर थोड़ा बहुत डर लगा था, लेकिन अब ऐसा करते हैं बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी, तो उस टाइम पर तो ऐसा लग रहा था भाई कि मतलब पुराने दिनों की तरह जिस तरीके से बारिश लगी थी, थोड़ा बहुत डर लग रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बारिश प्रॉपर बंद हो चुकी है और अपना खाना भी आ गया भाई। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर अभी वैसे खाना खाते हैं और साथ में इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। हमने देखिए आप सभी ने यह वीडियो देख क्या होगा, बाबा केदार की डोली के दर्शन किए होंगे अच्छे से, और जो भी है अपना सजेशन अपना कमेंट्स अपने थॉट्स कमेंट में लिख सकते हो, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हो। मिलता है ऐसे किसी वीडियो में, तब तक ले।